है धूम की मेगा सक्सेस का राज और क्यों ये फिल्म इतने मायने रखती है अभिषेक बच्चन के लिए। इस बार किसको हम देखने वाले हैं फिल्म की लीड चोरनी के रूप में, आइए इन सभी सवालों का जवाब जानते हैं आज के इस वीडियो में। इसलिए वीडियो को आखिर तक देखना ना भूलें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज में। मैं हूँ आपकी दोस्त मीनाक्षी और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के बेस्ट सीक्वल्स की। जी हाँ दोस्तों, तो अगर आप किसी से भी पूछेंगे कि आपको बॉलीवुड का बेस्ट मूवी सीक्वल कौन सा लगता है तो हर किसी के जुबान पर बस एक ही नाम होगा और वो होगा धूम की फ्रेंचाइज का। धूम की इस फ्रेंचाइज में अभी तक 3 मूवीज आ चुकी हैं और सारे की सारी मूवीज काफी ब्लॉकबस्टर रही हैं। अगर बात करें फिल्म की इस मेगा सक्सेस के बारे में तो इसके पीछे काफी राज छुपे हुए हैं। सबसे बड़ा कारण तो इस फिल्म की सक्सेस के पीछे का हो गए इसके कूल स्टाइलिश एक्शन और साथ ही साथ में बाइक के सीक्वल्स, जिसकी वजह से यूथ में बाइक को लेकर काफी क्रेज देखने को मिला था। वहीं अगर दूसरे रीजन की बात करें तो इस फिल्म में हम लोगों को यंग ब्लड देखने को मिले थे जिन्होंने अपनी एक्टिंग से सबको अपना दीवाना बना दिया था। जहां फिल्म की फ्रेंचाइज में हमको ऋतिक रोशन, अभिषेक बच्चन, उदय चोपड़ा और जॉन अब्राहिम जैसे कुछ दिग्गज कलाकार दिखे और वहीं लोगों ने इनके रूप को खूब सराहा। अब एक खास बात इस फिल्म के फेमस होने के पीछे यह भी थी कि इस फिल्म में जो यंग ब्लड थे यानी कि ऋतिक रोशन और जॉन अब्राहिम, उनको पहली बार नेगेटिव किरदार में देखा गया था। और ये नेगेटिव किरदार सिर्फ एक्शन और थ्रिल से नहीं भरे थे बल्कि ये नेगेटिव किरदारों में एक ऐसा चार्म था जो ऑडियंस को खुद की तरफ खींचता चले जाता था और इसी वजह से लोगों को ये मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। अगर बात करें फिल्म की स्टोरी लाइन और फिल्म के म्यूजिक के बारे में तो दोनों के दोनों इतने सुपरहिट हुए हैं कि फिल्म को ब्लॉकबस्टर बना दिया है। अगर इस फिल्म के मेगा सक्सेस के पीछे का सबसे खास रीजन बताया जाए तो दोस्तों वह यह होने वाला है कि इस फिल्म में जो कॉन्सेप्ट दिखाया गया है वो कॉन्सेप्ट बॉलीवुड में पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया गया था। हालांकि ये चीज़ें बॉलीवुड की जगह हॉलीवुड में काफ़ी लंबे समय से चलती आ रही थी और ये आइडिया वहीं से इंस्पायर्ड था, लेकिन बॉलीवुड के लोगों ने इस हॉलीवुड के चार्म को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया और इसी वजह से मूवी सिर्फ देश भर में नहीं बल्कि दुनिया भर में काफ़ी सुपरहिट रही। इस फिल्म में एक ऐसा मेंटेन बैलेंस था कॉमेडी और एक्शन का जिसकी वजह से लोगों को ये मूवी काफ़ी पसंद आई। जहाँ एक तरफ फिल्म में किरदार काफ़ी सीर और एक्शन से भरा होता है, वहीं पर उदय चोपड़ा जैसे कलाकारों ने इस फिल्म में फनी और कॉमेडी का थोड़ा सा तड़का लगा के फिल्म को परफेक्टली बैलेंस कर दिया। अगर बात करें फिल्म के बारे में तो धूम 3 में जहाँ हमको आमिर खान, अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा का कॉम्बिनेशन कमाल करते नजर आया, वहीं पर इन तीनों के ड्रायो को लोगों ने बेहद ही पसंद किया। अगर बात करें फिल्म के गाने के बारे में तो दोस्तों इस फिल्म की फ्रेंचाइज का गाना धूम मचा ले अभी तक का टॉप हिट रहा है और लोगों को ये गाना हद से ज़्यादा पसंद आया है। ये मूवी का ये गाना इतना हिट हुआ था कि लगभग हर फोन की रिंगटोन यही गाना थी, तो आप समझ सकते हैं कि ये गाना लोगों को कितना ज़्यादा भा गया था। इस फिल्म में एक्शन और बाइक सीक्वेंस इतने ज़्यादा क्रेजी थे कि इसका ये कॉन्सेप्ट सिर्फ यहीं नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में इस मूवी को ब्लॉकबस्टर बनाने में काफ़ी सफल रहा। अब अगर बात करें फिल्म की लीड लेडीज़ के बारे में यानी कि फिल्म के ग्लैमर के बारे में, तो दोस्तों बॉलीवुड में ग्लैमर काफ़ी मैटर करता है और हर फिल्म में ग्लैमर फिल्म की लीड लेडीज़ ही देती हैं। इस फिल्म के ग्लैमर काफ़ी खूबसूरत और बेहद ही हॉटनेस से भरे रहे थे जिन्होंने अपने टैलेंट, अपनी स्किल्स के अलावा अपने डांस मूव्स और अपने एक्शन से भी लोगों को बेहद खुश किया। इस मूवी की फ्रेंचाइज में हर बार कैरेक्टर और हर बार कास्ट बदल दी जाती है और इसीलिए अभी तक आई तीनों मूवीज में लेडीज की कास्ट भी चेंज हुई थी, लेकिन हर कास्ट को लोगों के द्वारा बराबर प्यार मिला है। अगर फिल्म के पहले पार्ट की बात करें तो धूम में हमको रेमी सेन और ईशा देओल लीड लेडीज के रूप में मिले थे, वहीं अगले सीक्वल में ही ऐश्वर्या राय और बिपाशा बासु का ये हॉट कॉम्बो हम लोगों को गिफ्ट मिला था आदित्य चोपड़ा की तरफ से। अब अगर तीसरे सीक्वल की बात करें तो तीसरे सीक्वल में करंट बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में से एक यानी कि कटरीना कैफ देखने को मिली थी और हर बार हीरो हीरोइन का कॉम्बिनेशन काफ़ी ऑन परफेक्ट होता था।
साथ ही अगर बात करें तो इस फिल्म में खास बात ये भी थी कि इसमें लीड लेडीज को भी नेगेटिव रोल में दिखाया गया था। जहां पहली मूवी में हमको ईशा देओल नेगेटिव रोल करती दिखी, वहीं दूसरी ही मूवी में ऐश्वर्या राय का भी एक नेगेटिव रोल रहा और उन्होंने फिल्म में एक चोरनी का रूप निभाया। वहीं अगर तीसरी मूवी की बात करें तो उसमें कटरीना कैफ का रोल काफी पॉजिटिव नजर आया, जिसकी वजह से फिल्म के ट्विस्ट और प्लॉट चेंज हो गए और लोगों का इंटरेस्ट फिल्म के लिए दोबारा से काफी बढ़ गया। और साथ ही साथ में इन लीड लेडीज को नेगेटिव रोल में देख पाना और नेगेटिव कैरेक्टर को एक्सप्लोर करना लोगों को काफी ज्यादा भाया और इसीलिए कॉन्सेप्ट को लोगों द्वारा इतना प्यार दिया गया। अब अगर बात करें फिल्म के आने वाले सीक्वल के बारे में तो खबरें उड़ रही हैं कि जल्द ही आदित्य चोपड़ा धूम 4 को लेकर हम लोगों के सामने आने वाले हैं। उन्होंने हाल ही में एक स्टेटमेंट इशू किया कि वह धूम 4 के लिए हमेशा ही टॉप एक्टर और एक्ट्रेसेस को प्रेफर करते हैं और इसलिए इस बार भी वो ऐसा ही करेंगे और मूवी में कोई भी कमी छोड़ने की कोशिश बिल्कुल नहीं की जाएगी। यानी कि हर बार की तरह इस बार भी मूवी ऑन टॉप होने वाली है और परफेक्शन का डेफिनेशन हम लोगों को फिर से सिखाने वाली है। अब अगर बात करें फिल्म से जुड़े एक कैरेक्टर और बहुत ही बेहतरीन कास्ट अभिषेक बच्चन के बारे में तो दोस्तों अभिषेक बच्चन को इस फिल्म की वजह से काफ़ी फेम मिला है। उनके लिए ये मूवी काफ़ी मायने रखती है और इसके पीछे एक बहुत ही वैलिड रीज़न भी है। दरअसल जब अभिषेक बच्चन के करियर में उतार चढ़ाव चढ़ रहे थे और उनका करियर ऑलमोस्ट डाउनफॉल था तो 2007 में आई धूम ने उनका करियर बचा दिया और इस मूवी में उनके इस रोल की वजह से लोगों ने उनको दोबारा प्यार दिया और दोबारा से चांस देने का एक और बार ठान लिया और इसी की वजह से अभिषेक बच्चन का करियर अब हिल जाना शुरू हो गया। इसलिए इस मूवी का उनकी लाइफ में काफी बड़ा इफेक्ट पड़ता है। अब देखना यह भी होगा कि जैसा कि हम जानते हैं कि हर बार मूवीज की कास्ट को बदल दिया जाता है और हर बार नेगेटिव रोल में कोई नया ही इंसान देखने को मिलता है। हम लोग बस इसी उम्मीद में हैं कि इस बार किन लोगों को देखा जाएगा फिल्म के नेगेटिव रोल में। हालांकि सुर्खियों में काफी खबरें आ रही हैं कि बॉलीवुड के टॉप एक्ट्रेसेस को और टॉप एक्टर्स को इसके लिए अप्रोच किया जाएगा, लेकिन देखने की बात होगी कि इस बार हमको कौन मिलता है लीड लेडीज और लीड मेंस के रोल में। अब अगर एक खास बात और बताएं तो जहां अभिषेक बच्चन ने इस मूवी में काफी बेहतरीन काम किया था तो इस बार उम्मीद की जा रही थी कि शायद उनके इस किरदार को एक इंस्पेक्टर का किरदार दे दिया जाएगा, क्योंकि आदित्य चोपड़ा और फिल्म के मेकर्स इस मूवी को पूरी तरीके से टर्न ऑन कर देना चाहते हैं और एक नए सिरे से मूवी की शुरुआत करना चाहते हैं और इसीलिए उम्मीद की जा रही थी कि शायद इस बार अभिषेक बच्चन किसी पुलिस ऑफिसर के रूप में नजर आए। लेकिन जैसा कि फिलहाल बॉक्स ऑफिस पर ये खबरें चल रही हैं कि हर बार अभिषेक बच्चन को रिप्लेस कर दिया जा रहा है रणवीर सिंह से और ऐसी ही कुछ उम्मीद है इस बार भी मूवी में कि शायद अभिषेक बच्चन के ये रोल को या तो पुलिस ऑफिसर में बदल दिया जाएगा या फिर उनके पूरे रोल को हटा कर ये रोल रणवीर सिंह को दे दिया जाएगा। हमने रणवीर सिंह को अभी तक सिर्फ एक मूवी में पुलिस ऑफिसर का रोल निभाते देखा है और वो भी उनकी मूवी सिम्बा थी, जिनमें उनके साथ सारा अली खान ने भी काफी बेहतरीन काम किया था। तो देखना होगा कि इस बार इस इम्पोर्टेंट मूवी में कौन से किरदारों को जोड़ा जाता है और कैसे फिल्म को नए सिरे से शुरू किया जाता है। हालांकि फिल्म के प्रोड्यूसर्स और मेकर्स इस बारे में फिलहाल कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है और इसीलिए कोई भी चीज परमानेंटली ऑफिशियल नहीं की गई है, लेकिन फिल्म के बारे में काफी सुर्खियां उड़ती दिख रही हैं और हम लोग बस यही उम्मीद करेंगे कि आदित्य चोपड़ा जो भी लेके आए वो उन लोगों के लिए बेस्ट हो। तो दोस्तों आपका क्या कहना है इस फ्रेंचाइज के बारे में और आपको क्या लगता है कि धूम 4 में कौन कौन से कैरेक्टर्स और कौन कौन से एक्टर्स परफेक्ट बैठने वाले हैं? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और कर दीजिएगा बॉलीग्राड स्टूडियोज के